जिगिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आज के इस बेहद खास वीडियो में हम बात करेंगे साल 1951 में प्रदर्शित शोमैन राज कपूर जी के सिने करियर की अहम फिल्म आवारा की। घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। और बात करेंगे फिल्म आवारा से जुड़ी बहुत सी सच्ची और दिलचस्प बातों की। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। 12 वर्ष पहले अगर यही रोटी मुझे जेल खाने के बाहर मिल जाती ना, तो इसी के पीछे बार बार यहाँ चक्कर क्यों लगाने पड़ते। फिल्म आवारा की सफलता ने राज कपूर जी को नायक के रूप में नई और अलग पहचान दी और राज कपूर जी को अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाई। फिल्म का टाइटल गीत आवारा हूँ या गर्दिश में आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, देश विदेश में बहुत लोकप्रिय हुआ। फिल्म आवारा राज कपूर जी और उनके चाहने वालों के लिए बहुत ही खास फिल्म थी। 1951 की फिल्म आवारा चीन और रूस में तो इतनी लोकप्रिय हुई कि फिल्म का गाना आवारा हूँ चीन और रूस के लोगों की जुबान पर चढ़ गया था। आवारा हूँ, यही नहीं फिल्म के हीरो राज कपूर जी को रूस और चीन में खास पसंद किया जाने लगा। फिल्म आवारा रिलीज हुई थी 14 दिसंबर 1951 को। फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था राज कपूर जी ने। फिल्म की कहानी लिखी थी ख्वाजा अहमद अब्बास और वीपी साठे ने। 3 घंटे 13 मिनट की इस फिल्म को 7.9 out of 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है। स्कूल में मास्टर फीस मांगता है और मेरे बाप के पास इतने पैसे कहाँ हैं। फिल्म के मुख्य कलाकार थे राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर, नरगिस, बशीश्वर नाथ, KN सिंह, लीला चिटनिस, हेलन, लीला मिश्रा, ओम प्रकाश मेहरा, शशि कपूर इत्यादि। फिल्म में म्यूजिक दिया था शंकर जयकिशन ने और गानों के बोल लिखे थे शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने। फिल्म में कुल 10 गाने थे और गानों को अपनी मधुर आवाज से सजाया था लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मुकेश, मन्ना डे और शमशाद बेगम ने। फिल्म का कुल बजट था 20 लाख रुपए और इंडिया में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 1 करोड़ 25 लाख रुपए का और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 2 करोड़ 30 लाख रुपए का और ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। और साथ ही ये फिल्म साल 1951 की सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्म थी और कमाई के मामले में साल 1951 की दूसरे नंबर पर थी फिल्म बाजी और तीसरे नंबर पर थी फिल्म अलबेला। फिल्म आवारा में कपूर परिवार के 3 पीढ़ियां एक साथ नजर आई थी, यानी 3 पीढ़ियों ने एक साथ काम किया था। राज कपूर जी के दादा बशेश्वर नाथ, जिन्होंने फिल्म में जज की भूमिका निभाई थी, पिता पृथ्वी राज कपूर और राज कपूर जी के छोटे भाई शशि कपूर। शशि कपूर जी फिल्म में बाल कलाकार के रूप में नजर आए थे। नमस्ते जी। नमस्ते। यूं तो मजे उड़ाते। राज कपूर जी और पृथ्वी राज कपूर जी ने अपनी करियर में सिर्फ 2 ही फिल्मों में एक साथ काम किया, एक थी फिल्म आवारा और दूसरी थी कल आज और कल। आवारा दोनों की एक साथ पहली फिल्म थी। फिल्म आवारा रूस में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली लोकप्रिय फिल्म थी। यही नहीं बल्कि फिल्म का गाना आवारा हूँ रूसी लोगों की जुबान पर चढ़ गया था। आवारा हूँ, फिल्म के हीरो राज कपूर जी को भी रूस में खास पसंद किया जाने लगा। फिल्म आवारा रूस में अपने रिलीज होने के 3 साल बाद यानी 1954 में रिलीज की गई थी। उस वक्त फिल्म आवारा खास चर्चित नहीं थी और ना ये भारत की ओर से जाने वाली महत्वपूर्ण या खास फिल्म थी। उस वक्त में हिंदी फिल्म 2 बीघा जमीन ने कांस फेस्टिवल में अवार्ड जीता था। पुरस्कार जीतने के बाद सबसे ज्यादा चलने वाली फिल्म 2 बीघा जमीन थी, जिस
कारण शुरुआती दिनों में सबसे ज्यादा शो 2 बीघा जमीन को ही मिले, लेकिन वक्त के साथ साथ धीरे धीरे फिल्म आवारा ने इतनी लोकप्रियता हासिल की और फिर राज कपूर जी रूस में भारत की पहचान बन गए। फिल्म का टाइटल आवारा रखे जाने के पीछे भी एक दिलचस्प किस्सा है। एक बार राज कपूर जी गीतकार शैलेंद्र के साथ फिल्मी बातों पर चर्चा कर रहे थे। उसी वक्त फिल्म आवारा के लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास इस फिल्म की कहानी के साथ राज कपूर जी के पास पहुंचे और ये कहानी कोई छोटी कहानी नहीं थी बल्कि 400 से भी ज्यादा पन्नों यानी पेजेस का एक उपन्यास था। ख्वाजा अहमद अब्बास कहानी सुनाते जा रहे थे और राज कपूर जी और शैलेंद्र कहानी के हर उतार चढ़ाव और रूप को समझते रहे। कहानी के खत्म होते ही राज कपूर जी ने शैलेंद्र से पूछा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तब शैलेंद्र जी ने जवाब में एक बहुत ही सुंदर पंक्ति कही, गर्दिश में था आसमान का तारा था वो तो आवारा था। और शैलेंद्र जी के मुंह से निकला ये आवारा शब्द राज कपूर जी और ख्वाजा अहमद अब्बास को इतना पसंद आया कि फिल्म का नाम आवारा रखा गया और इसी आवारा शब्द पर फिल्म का टाइटल सॉन्ग भी तैयार किया गया और फिल्म में रखा गया। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ। इसी दौर में राज कपूर जी और नरगिस दोनों ही एक दूसरे के साथ प्रेम में थे यानी कि प्यार में थे और नरगिस फिल्म से जुड़े सभी कार्यक्रमों में शामिल होती थी राज कपूर जी के साथ। जब राज कपूर जी और नरगिस रूस गए तब इनके मजबूत संबंधों को देखते हुए रूस के कई अधिकारियों और लोगों को लगा कि ये दोनों पति पत्नी हैं। फिल्म आवारा में शशि कपूर ने राज कपूर जी के बचपन का किरदार निभाया था और शशि कपूर को शशि राज के नाम से क्रेडिट दिया गया था। शशि कपूर जी की ये दूसरी फिल्म थी जिसमें उन्होंने राज कपूर जी के बचपन का किरदार निभाया था। इससे पहले शशि कपूर जी ने 1984 में आई फिल्म आग में भी राज कपूर जी के बचपन का किरदार निभाया था। फिल्म आवारा और श्री 420 के बाद से कई समीक्षकों ने राज कपूर जी को भारतीय चार्ली चैपलिन की संज्ञा दी थी क्योंकि इन दोनों फिल्मों में राज कपूर जी का ट्रैम्प रोल चार्ली चैपलिन की पहचान थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब चार्ली चैपलिन ने खुद ट्रैम्प रोल्स करना बंद कर दिया और राज कपूर जी को उनकी जगह दी गयी। राज कपूर जी को चार्ली चैपलिन का उत्तराधिकारी माना गया। आवारा पहली फिल्म थी जिसकी शूटिंग आरके स्टूडियोज में हुई थी। फिल्म का गाना घर आया मेरा परदेसी की शूटिंग आरके स्टूडियोज में ही हुई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब आरके स्टूडियो में ये गाना शूट हुआ था तब आरके स्टूडियो की छत तक नहीं थी। ये बात खुद शशि कपूर जी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताई थी। फिल्म आवारा में हेलन ने बतौर डांसर काम किया था, तब उनकी उम्र सिर्फ 13 साल थी और ये हेलन की शुरुआती फिल्मों में से एक है। आपको बता दें कि हेलन की माँ अभिनेत्री और डांसर कुकू की खास सहेली थी। एक्ट्रेस कुकू ने खुद राज कपूर जी की कई फिल्मों में काम किया था और कुकू ने ही हेलन को बतौर बैकग्राउंड डांसर फिल्म में काम दिलवाया था। मशहूर फिल्म पत्रकार भाई चंद्र पटेल ने अपनी किताब में लिखा था, 1947 से 56 तक राज कपूर और नरगिस एक दूसरे के बहुत ही करीब थे, लेकिन नरगिस के परिवार को इन दोनों का रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था। नरगिस के परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे और नरगिस को राज कपूर जी के साथ काम करने से भी मना करते थे, लेकिन फिर भी नरगिस ने राज कपूर जी के साथ फिल्म आवारा और श्री 420 की। नरगिस और राज कपूर के रिश्ते को तोड़ने के लिए नरगिस के भाई अख्तर हुसैन ने राज कपूर जी को पीटा भी था। फिल्म आवारा के बाद नरगिस को ये लगने लगा कि राज कपूर जी अपनी पत्नी को तलाक देकर उनसे शादी कर लेंगे। कहा जाता है कि राज कपूर जी ने तलाक के कागज भी तैयार कर लिए थे, लेकिन फिर एंड टाइम पर राज कपूर जी तलाक देने से पीछे हट गए। उसके बाद जब राज कपूर जी दक्षिण भारतीय अभिनेत्रियों के साथ काम के सिलसिले में अपनी नजदीकियां बढ़ाने लगे तब नरगिस ने राज कपूर से अपने रिश्ते को खत्म कर दिया। फिल्म जागते रहो के बाद नरगिस और राज कपूर कभी भी साथ नजर नहीं आए। राज कपूर से पहले ख्वाजा अहमद अब्बास ने आवारा फिल्म की कहानी मशहूर निर्माता और निर्देशक महबूब खान को सुनाई थी, लेकिन कहानी सुनने के बाद
महबूब खान ने फिल्म के लिए इनकार कर दिया था। पृथ्वीराज कपूर जी को फिल्म आवारा करने के लिए काफी मनाना पड़ा था। राज कपूर जी चाहते थे कि उनकी इस फिल्म में पृथ्वीराज कपूर जी काम करें, लेकिन पृथ्वीराज कपूर राज कपूर जी को फिल्मकार के रूप में नहीं मानते थे और ये बात राज कपूर जी खुद जानते भी थे। इसलिए उन्होंने ख्वाजा अहमद अब्बास और वीपी साठे को पृथ्वीराज कपूर जी के पास फिल्म के लिए भेजा। पृथ्वीराज कपूर जी को फिल्म की कहानी और अपना रोल काफी पसंद आया। फिर पृथ्वीराज जी ने पूछा फिल्म के नायक निर्देशक कौन है। तब दोनों ने बहुत ही हिचकिचाते हुए राज कपूर जी का नाम बताया। ये सुनते ही पृथ्वीराज जी ने फिल्म करने से मना कर दिया और कहा इतनी अच्छी फिल्म और कहानी के लिए किसी अच्छे नायक और फिल्म बनाने वाले की तलाश करो, राज इस फिल्म को नहीं बना पाएगा। लेकिन ख्वाजा अहमद अब्बास और वीपी साठे के काफी मनाने पर पृथ्वीराज ने फिल्म में काम किया। हिंदी सिनेमा में ट्रैम्प रोल्स लाने का क्रेडिट राज कपूर जी को ही जाता है। फिल्म आवारा में इटालियन और रूसी सिनेमा की साफ साफ झलक दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिल्म आवारा और राज कपूर जी के लिए क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।